नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अपना सुबह का वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो मॉर्निंग का आज टाइम हो चुका है, सुबह का 6 बज चुका है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट उठ पाई थी। मैं सो गई, सुबह पता ही नहीं लगा कब 6 बज गए, तो आज थोड़ा लेट हो गया है। और सुबह के टाइम पे बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, इसलिए मैं और सो गई, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया था इसलिए। और आज बारिश हो रही थी इसलिए मैंने बच्चों को भी नहीं भेजा है स्कूल, तो आज बच्चे भी स्कूल नहीं गए, आज सब घर पे ही हैं। और तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। और मैं अपना आगे का वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैंने तवा ले लिया, तवा पे थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। ऑयल डालने के बाद में इस पर मैं जवा डाल दूँगी। जवा को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब तक ये ब्राउन नहीं होते हैं तब तक इसको हम फ्राई करते रहेंगे, और जब अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें खुशबू भी आने लगेगी। जब खुशबू आएगी तभी ये अच्छे से पकेंगे, वरना ये रहते तो हैं, लगते हैं ब्राउन कलर के हो गए, जब इनको बनाते हैं तो जो वाइट कलर के लगने लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉयल में पानी रखने के लिए, बॉयल करने के लिए रख दिया बाउल में। इसके बाद में मैं इसको ढक के रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने ये ले लिया अरहर की दाल, मैं आज दाल बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको पानी बॉयल करने के लिए रखा था, जब पानी बॉयल हो गया है इसमें मैं डाल दूँगी जवा। और दाल भी मैंने धुल के रख ली है, तो दाल को भी मैं बनाऊँगी साथ में ही। यहाँ पे मैंने जवा सारे डाल दिए हैं, फिर इसमें डाल दूंगी मैं कुकर में, दाल बनने के लिए रख दूंगी। जवा को थोड़ा सा चला देते हैं और इसको ढक के रख दिया है। अब यहाँ पे जो मैंने दाल धुल के रखी थी वो भी कुकर में डाल दूंगी। ये देखिए, मैंने दाल डाल दी है कुकर में। इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी, फिर डाल देंगे थोड़ा सा इसमें मिर्च डाल देंगे। यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा मिर्च डाल दिया है, और फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक जैसा आप खाते हो वैसा डालिए, अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। आज मैं दाल और चावल एक साथ में ही बनाऊंगी, तो मैंने जो दाल चावल धुल के रखे थे ये भी मैं साथ में ही बनाऊंगी। दाल चावल एक साथ में ही मैंने कुकर के अंदर ही चावल को पकने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा पानी डाला था, तो ये यहाँ पर चावल दाल दोनों चीज़ें पकने के लिए रख दिए हैं गैस पर। यहाँ पर जो देखिए, सेवैया हमारे बन के तैयार हैं। यहाँ पे मैंने चीनी भी डाल दी है और खोया भी डाल दिया है। तो देखिए जवा कितने अच्छे से बन के तैयार हैं। ये देखिए जवा हमारे बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे मलाई, दूध में जो मलाई बच जाती है उससे मैंने खोया बनाया था, उसी से मैंने ये बनाए। यहाँ पर फिर मैंने रोटियाँ भी पका ली हैं, रोटियाँ सारी पका के रख लूँगी। और यहाँ पर दाल भी बन गई है, तो दाल में फिर तड़के की भी तैयारी कर लूँगी, तड़का भी लगा दूँगी साथ में, तो सारा काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मैंने तड़का लगाने के लिए तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल में मैं फिर थोड़ा सा जीरा डालूँगी। यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है, और फिर ये प्याज मैंने काट के रखा है ये भी इसी में डाल दूँगी। यहाँ प्याज भी डाल दिया है। देखिए चावल और दाल दोनों चीज़ें पक चुके हैं, देखिए कितने अच्छे से चावल पके हैं, दाल भी मेरी पक चुकी है। इसको प्याज को अच्छे से ब्राउन कलर का हो जाने देते हैं, फिर इसमें डाल देंगे। तड़के में मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ जीरा और प्याज ही डाला है। यहाँ पर मैं बर्तन भी सारे खाली करके रख लिए थे, तो यहाँ पे मैं बर्तन भी धुल लूँगी। बच्चे आज घर पे ही हैं तो वो सारा काम करने नहीं देते, फिर शैतानी करने लगते हैं, इसलिए उनके साथ में भी रहना है और होमवर्क भी कराना है, अभी स्कूल का ट्यूशन का भी करवाना है। तो काम जब बच्चे ज़्यादा घर पे होते हैं तो जब काम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं सारा काम फटाफट से यहाँ पर ख़त्म कर लें, फिर हम जाते हैं बच्चों के पास। तो यहाँ पर बर्तन ही अभी धुल रहे हैं। यहाँ पे ये बर्तन मैंने मांझ लिए थे, तो यहाँ पे देखिए हम पत्थर साफ़ कर रहे थे, यहाँ पे साबुन गिर गया था, तो मैंने सोचा पत्थर साफ़ करके रखेंगे तो बर्तन दोबारा से गंदे नहीं होंगे। यहाँ पे बर्तन भी हम सारे धुल लेंगे।
बच्चे शैतानी कर रहे थे तो मैं बार बार देख रही थी कि शैतानी क्यों कर रहे हो, लेकिन वो शैतानी करने से बाज नहीं आते हैं। अगर मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी अपना वीडियो डालूँगी अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचेगा। यहाँ पे मेरे बर्तन सारे धुल गए हैं तो यहाँ पे मैं बर्तन को सेट कर दूँगी, जैसे जहाँ रखती हूँ वहाँ पे रख दूँगी। ये देखिए सारे बर्तन इकट्ठे करके सारे जहाँ रखे थे वहीं रख दूँगी। तो मिलते हैं फिर हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में। हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। बाय बाय दोस्तों।